फ्रेंड्स फेसबुक ओपन कर ले, एंड जैसे ओपन हो जाता है तो यहाँ से वो पेज सिलेक्ट कर ले जिसका पोस्ट बूस्ट करना है। लेट्स से मैंने ये वाला पेज ले लिया, एंड जैसे ये पेज लोड होता है तो अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, एंड देखेंगे राइट हैंड पे यहाँ पे जितने भी सारे पोस्ट हमने डाला हुआ है वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पे पोस्ट को बूस्ट करना है तो ऑलरेडी गिवन यहाँ पे बूस्ट पोस्ट, आप इस पर क्लिक कर लें। जैसे आपने क्लिक करा तो एक नया पेज ओपन हो जाता है, एंड यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट है आपका गोल। सो गोल में आपका ऑटोमेटिक है, आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है गेट मैसेज, अगर आप जो पोस्ट बूस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू आप मैसेज आते हैं तो मैसेज ले सकते हैं, अगर वीडियो है वीडियो पे व्यूज चाहिए तो ये ले सकते हैं, एंड कॉल्स लेना है तो कॉल्स, या यहाँ पे यहाँ पे सारे गोल्स जो गिवन है आप वो ले सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ऑटोमेटिक रहने दें, देन इसको सेव कर ले। एंड उसके बाद आपका जो है बटन है, लेट्स से यहाँ पे जो ये कॉल नाम आ रहा है इस बटन को चेंज करना है। सो आप यहाँ पे लर्न मोर कर सकते हैं या शॉप नाउ कर सकते हैं। अगर आपको कॉल के लिए लोगों को पोस्ट को बुस्ट करना है तो कॉल नाउ ले सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप ले लें। तो फर्स्ट जैसे मैंने बताया आपको ऑटोमेटिक जो है, आप यहाँ पे डिफरेंट गोल्स है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे गोल्स ले सकते हैं, या आप चाहें तो ऑटोमेटिक रहने दें जिससे सिर्फ आपको पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहिए। तो देन जो है नेक्स्ट आपका बटन, बटन बेसिकली इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। सो उसे मैंने यहाँ पर लर्न मोर ले लिया। लर्न मोर कहते हैं यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो है आपका वेबसाइट। इट मीन्स कि जैसे कोई लर्न मोर पर क्लिक करता है तो वो कहाँ लैंड करेगा, तो वेबसाइट पे लैंड करेगा। सो मैंने यहाँ पे adsupnaji.com एंटर कर दिया। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगर आपका जो ये पोस्ट है, अगर आप इसे पोस्ट कर रहे हैं इलेक्शन के लिए या प्रॉपर्टी के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं या इसको एज इट इज रहने दें अगर इससे रिलेटेड नहीं आता या स्पेशल कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। देन नेक्स्ट है आपका ऑडियंस। फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको ऑडियंस बनाना है, जैसे कि आप एड मैनेजर में ऑडियंस बनाते हैं। सो उसके लिए आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, एंड नाउ अगर आपको पोस्ट बूस्ट करना है या ऐड चलाना है तो 18 एज ग्रुप से स्टार्ट लोगों पे ही आप ऐड दिखा सकते हैं, बिलो 18 आप नहीं दिखा सकते। तो बाय डिफॉल्ट 18 आ गया, एंड यहाँ पे आप एज ग्रुप को ले लें, आप देख लें कि आपका जो पोस्ट है आपका जो वीडियो है वो किस एज ग्रुप के लोगों के लिए बेटर रहेगा या किन को आप ऐड दिखाना चाहते हैं, वो आप एज ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। देन नेक्स्ट है आपका लोकेशन। इफ़ यू वॉन्ट टू टारगेट पैन इंडिया सो आप यहाँ पे इंडिया ले लें, इफ़ यू वॉन्ट टू टारगेट अब्रोड तो वो कंट्री ले सकते हैं, इफ यू टू टारगेट सिटीज डिफरेंट सिटीज या अ सिटी सो आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेट्स से मैंने पुणे ले लिया यहाँ पे, सो पुणे महाराष्ट्र मैंने ले लिया एंड सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे एक ड्रॉप पिन भी है, इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉप अ पर्टिकुलर एरिया सो आप वहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, ये रहा, एंड यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो वो इस एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक न्यू फीचर्स है, डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका शॉप है या आपका बिजनेस है, आपने वहाँ पे पिन को ड्रॉप कर दिया तो उस पर्टिकुलर रेडियस में वो आपका ऐड दिखाएगा। जैसे यहाँ पे 60 किलोमीटर्स हैं तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप ये ले लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका डिटेल टारगेटिंग। यू नो फ्रेंड्स अब आपको जो ऐड है उसका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, टीजी कौन है, तो वो आप उसके लिए आप यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली वी आर इनटू द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो हमारा ऐड जो है बिजनेस ओनर होगा, स्टार्टअप्स होगा या डिसीजन मेकर लोग होंगे, तो ऐसे यहाँ पे हम टारगेटिंग ले सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे COO कर दिया, सो ये नहीं है तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ बिजनेस ओनर। तो फ्रेंड्स आप इसे अपने अकॉर्डिंगली आप इसे ब्रेनस्टॉर्म कर ले एंड यहाँ पे इसे आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है आपने जो ये डाला है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है ऑडियंस साइज क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑडियंस साइज 1K है। फ्रेंड्स आई वुड सजेस्ट कि आपका ऑडियंस साइज लाखों में होने चाहिए, मिलियंस में होने चाहिए, तो आप रखें तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। देन आप सेव ऑडियंस कर लीजिएगा, इससे उससे क्या होगा कि आपने जो ये ऑडियंस बनाया है वो सेव हो जाएगा एंड आपके वो एड मैनेजर में रहेगा। एंड अगर आपको फर्दर भी पोस्ट बूस्ट करना है तो वो ऑडियंस को सिलेक्ट करके आप इमिडिएट आप पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कि मिलियंस होने चाहिए, तभी यहाँ पे एरर भी दिखा रहा है कि ऑडियंस इज टू नैरो। सो अगेन मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे ये यह जो ऑप्शन है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे मल्टीपल हम डाल देंगे, ठीक है, वो फर्दर मैं कर लूँगा एंड आप भी अपने अकॉर्डिंगली जो टारगेट ऑडियंस है वो डालेंगे तो ध्यान रखिएगा कि मिलियंस में होने चाहिए। नाउ
यहाँ पे कुछ और भी टारगेटिंग है, पीपल हु लाइक योर पेज, ऐसे लोग जिन्होंने आपके पेज को लाइक करा है, या सिमिलर लोग, या जो आपके लोकल एरिया में पीपल रहते हैं, ऐसे लोगों को भी टारगेट करना है, तो आप इनमें से वो ऑप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ड्यूरेशन, आपको ऐड कितने दिन के लिए चलाना है, 7 डेज, 2 डेज, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो डेज माइनस हो जाएगा, एंड प्लस करेंगे तो डेज प्लस हो जाएगा, या आप यहाँ पे एंड डेट ले लेंगे तो बाय डिफॉल्ट खुद ही वो डिसाइड कर लेगा कि कितना डे के लिए ऐड को रन करना है। नेक्स्ट है आपका बजट, सो बजट यहाँ पे AOD दिखा रहा है, सो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, सो मैंने चेंज कर लिया, तो जो बजट है आपका यहाँ पे अब आपका INR में आ जाएगा, सो 35 नहीं होगा क्योंकि पता है आपको 81 मिनिमम है, तो मैं इसको 350 रुपीज़, इसको आपको रखना पड़ेगा 1500 का कम से कम, 15 दिन के लिए आपको रन करना है, तो मैंने रख लिया यहाँ पे। एंड इसके बाद आपको, आप ये रिकमेंडेड है तो इसको आप एज इट इज रहने दीजिएगा, एंड अगर पिक्सल है तो पिक्सल को आप इनेबल कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऑडियंस का बिहेवियर आपका पिक्सल में स्टोर होगा, फर्दर उसको रिटारगेट करने में भी आसानी रहते हैं। एंड उसके बाद से आप ऐड फंड्स कीजिएगा, एंड ऐड फंड्स करने के बाद से आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पोस्ट है अंडर द रिव्यू चला जाएगा, एंड जैसे ये अप्रूव हो जाएगा तो आपका ऐड, आपका पोस्ट जो है लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। Friends, that's all for today. If you have any questions, then comment below. And friends, if you want to learn social media marketing from scratch, then उसका लिंक मैं एड बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से लर्न कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर.